अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मेरे के सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, हैप्पी लाइव व्लॉग चैनल। सर जनाब, यहाँ पे जो है ना, मैं व्लॉग बनाने के लिए आ गई हूँ। ठीक है, सुबह जो है ना, कल जो है मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड पहले ही कर ली थी, लेकिन ये वाली वीडियो रह गई थी। मैंने कहा अचानक से अगर बारिश आ गई तो फिर ये शेप्स ख़राब हो जाएंगी, उठाई भी नहीं जानी, तो मैंने फिर इसका व्लॉग बना दिया था ASMR पे, जो कि आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखो, हम लोग अब समेट रहे हैं अपने टेक्सचर्स, क्योंकि टेक्सचर जो है वो समेटना ज़रूरी है। और आज जो है ना, सारा दिन गहर गहर ही रही है, सारा दिन वो इतनी तेज़ धूप नहीं निकली। ठीक है, तो अभी भी शायद यही सीन है, अब पता नहीं बारिश कब आती है कब नहीं, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे देखो कितनी सारी डस्ट है टेक्सचर की ना, तो डीप क्लीनिंग वाला व्लॉग अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो बाद में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे टपों में हम लोगों ने अपने टेक्सचर्स डाल लिए, एक दो, और एक और टप मेरा पता नहीं किधर है। बाकी हम लोग क्रम्बलिंग स्टार्ट करते हैं। भाई मेरी तरफ से तमाम मेरी सब्सक्राइबर्स को बर्थडे, जिनकी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशी आपके नसीब में लेके जाए, आमीन सुम आमीन। आप लोग एक मज़े की बात बताती हूँ, जितनी एफर्ट करके मैंने इसकी सैंड निकाली थी, ठीक है, हमने फिर इसमें मिक्स कर दी है। मम्मा को पता नहीं चला और मम्मा ने कहा कि ओहो मुझे क्या पता था, तो वो तो फिर उन्होंने मिक्स कर दी। अब फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अब ये पाउडर भी ऊपर डाल दिया मम्मा ने। हालांकि मैंने दो दफ़ा मम्मा को बोला कि मम्मा मैंने सैंड सेपरेट की थी, तो ये अलग ही रहने देना था आपने। और अब इसको अब हम सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि मम्मा ने जो है ना मिक्स कर दिया है, लेकिन हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सैंड की वजह से तो हार्ड हुआ था, वो सैंड ही निकाल लिया, अब उसको हम सेपरेट रखेंगे तो ही टेक्सचर थोड़ा जो है ना फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये शायद इसका है, अब मुझे खुद नहीं अंदाज़ा है कि कौन सा टेक्सचर किसका है, फिर से मुझे वही डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा तो वैसे मैंने क्रम्बलिंग ही की थी, पाउडर ही था, तो मैं यही कह रही हूँ कि ये जो पाउडर है ना, ये मैं सेपरेट कर लूँगी, बाकी जो है ना इसका भी नहीं पता, क्योंकि मम्मा ने अगर क्रम्बलिंग की हुई तो फिर तो मैंने व्लॉग भी नहीं ना देखा मम्मा का, कि मम्मा ने क्रम्बलिंग की है कि नहीं। लिटिल बिट चंक्स क्रम्बल कर लेते हैं,
ओके डन, इसको अब ऐसे ही रहने देंगे ये वाले को, और अपना सॉलिड फॉर्म में रहने दूंगी ताकि अंदाजा हो जाए कि ये सैंड सेपरेट वाला टेक्सचर है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो बॉल्स जो है ना इसमें से मामा ने जो है ना वो क्रमलिंग की है, और ये शेप्स कम है। अब इसको नहीं मैं फिर क्रमल करती हूँ, और यहाँ पे धूप भी आ गई है तो थोड़ी देर बाद आते हैं इधर, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिक्विड की क्रमलिंग करके दिखाऊँ, अगर तो ये ड्राई है, ये देखो ये सारा लिक्विड है। नहीं ये ड्राई नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्रम्बल होगा जब ये ड्राई होगा। हमारा ब्यूटीफुल टेक्सचर, ठीक है, ये है जी ग्रे कंक्रीट। जी नेक्स्ट वन, ये ना मम्मा ने न्यू टेक्सचर बनाया, अब ये नहीं मुझे पता कैसे बनाया। बाकी ये ना बड़ी मज़े की सैंड है और कुछ इस तरह का कुछ टेक्सचर है, लेकिन ये फिलहाल ड्राई नहीं और लाइट वेट, जिवें जुत्ती लाइट वेट होती है ना, इनकी टेक्सचर लाइट वेट है। और यहाँ पे ब्रश फटते हैं, और पहले से ना यहाँ से थोड़ी सी जगह साफ कर, ये वाला ना ये सारी सैंड टेक्सचर है सैंड वाला ना, तो इसको इधर करते थे। हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग रात को शीट्स डाल देंगे, क्योंकि दिन को पता नहीं अब किस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो जाए इसलिए, और मम्मा ने शीट्स भी उठा के रख ली है। अचानक तूफान आता है ना तो शीट्स गिर जाती हैं सारी। ओके डन, यहाँ पे आते हैं हमारी सैंड वाला टेक्सचर की तरफ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टेक्सचर क्रम्बल हुआ पड़ा है, आई डोंट नो क्यों हुआ है, क्योंकि मैं नहीं थी ऊपर, मैं अब नीचे रहती हूँ कि मम्मा भी ब्लॉग बना रही होती है ना, फिर कुछ लोगों का इतराज़ बनता है, लेकिन फिर क्या होता है कि मम्मा से स्क्रीन टच हो जाती है और वो वीडियो ब्लर हो जाती है सारी, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं मम्मा के पास ही रहूँ ताकि उनको गाइड करती रहूं।
क्योंकि जहरी बात है व्लॉग बनाना है, वीडियो बनानी है, अच्छी होगी तो ही आप लोग पसंद करोगे ना। इसको उठा के बाउल में डालूंगी ये वाले में ना, अगर बारिश वाला सीन हुआ तो। यहाँ पे प्योर सैंड वाला टेक्सचर है और ये वाला भी टेक्सचर जो है ना वो वाला टेक्सचर है ब्राउन टेक्सचर। तो फिलहाल फिर इसके अंदर हम ब्राउन वाला टेक्सचर क्रम्बल कर लेते हैं। आज ही मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है। अब ये डैम डैम जो है ना अभी से होना शुरू हो गए, प्रॉपर ड्राई ही नहीं होते। ये ड्राई मैं तैयार से करूँ ताकि वो दूसरे सैंड में ना मिक्स हो इसका कलर, क्योंकि वो ज़रा थोड़ी सी अच्छी वाइट है और ये ज़रा ब्राउन है। चलो भाई ये भी हो गया। यहाँ पे आते हैं हमारी प्योर सैंड की तरफ।